Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to Rizana's Cooking. और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कब्जा, जो कि हमारी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर समीना शेख ने इसकी फरमाइश की थी. तो उसके लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो देख लेते हैं और इसकी तैयारी शुरू करते हैं. चिकन 1.5 kg और ये स्किन के साथ लेनी है. ये होल चिकन है जिसको के 2 pieces में कर दिया गया है. ये देखें इस तरह. और ये मैंने वॉश करके क्लीन करके यहाँ रखी हुई है. आप चिकन के छोटे पीसेस भी यूज कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए. इसके लिए हमें चावल चाहिए. 4 cup सैला बासमती राइस ले लें. मीडियम साइज के मैंने 4 टमाटर लेके उनकी स्किन उतार के और उसे बहुत फाइन चॉप कर लिया है. स्लाइस में कटी हुई 3 medium size ऑनियन या प्याज. अब स्पाइसेस की तरफ आ जाते हैं. 3 bay leaves या तेज पत्ता, 1/2 teaspoon साबुत काली मिर्च, 1/2 teaspoon लौंगे, 1/2 teaspoon साबुत सब्जी इलायची, इतने बड़े सिनेमन के पीसेस ले लें, 2 dried lemon चाहिए होंगे, 4 tablespoon घी, आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, 1/2 teaspoon पिसी हुई सफेद मिर्च और कुछ थोड़ी सी जाफरान की स्ट्रिंग्स लेके उनको मैंने दूध में भिगो दिया है. सॉल्ट 2 teaspoon या आप अपने हिसाब से सॉल्ट डालें. 2 tablespoon टमाटो पेस्ट और ये हमारे पास मसाले हैं. 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon लौंगे, 1.5 teaspoon जीरा, 1 teaspoon साबुत काली मिर्च, 1/2 teaspoon साबुत सब्ज इलायची और थोड़ा सा पीस जायफल का हमें चाहिए होगा, 1/2 teaspoon हल्दी. इन सारी चीजों को पीस लेंगे. तो ये मैंने पीस के यहाँ रखी हुई है. इसको कब्जा स्पाइसेस कहते हैं. 6 से 8 जवे लहसुन के ले लें, उन्हें चॉप कर लें. ब्लांच किए हुए 40 grams आलमंड्स, 50 grams किशमिश, उन्हें थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया है. इसके लिए आप चिलगोजे भी यूज कर सकते हैं, पिस्ते भी यूज कर सकते हैं. तो अब हम कुकिंग शुरू करते हैं. कुकिंग शुरू करने से पहले इन्हें अच्छी तरह वॉश कर लें और वॉश करने के बाद इन्हें सोक करके रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए. फिर उसके बाद हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे. पैन गर्म करें और फिर पैन में आप घी डाल के गर्म करें. जब घी गर्म हो जाए तो आप प्याज ऐड कर दें और प्याज को फ्राई करेंगे. लेकिन इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस ये ट्रांसपेरेंट हो जाए. 3 से 4 मिनट में ये प्याज फ्राई हो गई है और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे. अब हम चिकन को भूनेंगे यहाँ तक कि हमारी चिकन ब्राउन हो जाए. चिकन ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर जो हमने बहुत फाइन काटे हैं, ये भी डाल देंगे. टमाटो पेस्ट भी डाल देंगे इसमें. ये जो हमने स्पाइसेस पीस के रखी थी ये हम हाफ डाल देंगे इसमें. 1/2 पिसी हुई व्हाइट पेपर भी डाल देंगे, सफेद मिर्च, सॉल्ट, ये चॉप्ड लहसुन, ये भी हम इसमें डाल देंगे. अब टमाटर को अच्छी तरह भूनेंगे यहाँ तक कि घी या ऑयल अलहदा हो जाए. अब मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है. तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और बाकी के साबुत मसाले जो हमारे पास है वो ऐड कर देंगे. 1 cup अब इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे, काली मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे, लौंगे, साबुत सब्ज इलायची, सिनेमन स्टिक्स और ये हमारे पास लेमन है, इन्हें थोड़ा सा क्रैक करके ऐड कर देंगे. बहुत तेज आंच पर इसे कुक करें यहाँ तक कि पानी में उबाल आ जाए. जब पानी में उबाल आ जाए तो फिर चूल्हा हल्का कर दें, मीडियम लो हीट पर. फिर चिकन को पकाएं तकरीबन 40 to 45 minutes तक, यहाँ तक कि चिकन अच्छी तरह गल जाए. 45 minutes में हमारी चिकन गल गई है, अब चिकन को निकाल लेंगे. इस तरह चिकन को निकाल लें.
ड्राइड लेमन भी निकाल लेंगे, बड़े बड़े साबुत मसाले निकाल लें। अब इसमें जो हमने चावल सोक करके रखे हुए थे वो हम ऐड कर देंगे। पैन को कवर करके चावलों को पकाएं यहाँ तक कि चावलों का पानी खुश्क हो जाए। अब ये चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, पानी इनका खुश्क हो रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा पानी है। अब मैं इसको दम पे रख दूंगी, चूल्हा बिल्कुल हल्का लो पे कर देंगे और इसको बहुत स्लो हीट पर दम होने देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए। और दम पे रखने से पहले आप चावलों में ये ज़ाफ़रान भी डाल दें, किसी भी सफ़ेद मिर्च हम इसी में मिक्स कर देंगे और ये सारा मसाला हम चिकन पे लगा देंगे। अब अवन का ब्रॉयलर ऑन करें लो पर और चिकन को अवन में ग्रिल करें 5 से 8 मिनट्स के लिए, यहाँ तक कि चिकन की स्किन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। हमारे राइस अच्छी तरह दम हो चुके हैं, बिल्कुल गल गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। फिर नट्स और किशमिश से गार्निश कर दें। मज़ेदार चिकन कब्जा तैयार है। मेरी रेसिपीज को आप शेयर करें अपनी फैमिली के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इन रेसिपीज को एंजॉय कर सकें। तो हमें याद रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑन एस कुकिंग, बाय फॉर नाउ।